पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की में गन्ना मार्च के तहत पदयात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने ननहेड़ा के इकबालपुर शुगर मिल तक पैदल मार्च किया और प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा किए जाने का आरोप भी लगाया। पदयात्रा के दौरान हरीश रावत के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है और इसीलिए गन्ना का खरीद मूल्य घोषित करने में देरी हो रही है और अभी तक प्रदेश सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों की समस्या को सुलझाने में ये सरकार नाकाम रही है। गन्ने के विषय में और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलंब किया जा रहा है, ये सब चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है, इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोठियाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिला है। कोठियाल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक मानक स्थापित करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में रोड शो को भी संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है कर्नल अजय कोठियाल जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। यहां से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर टिहरी से क्या खबर है। दरअसल टिहरी में चुनावी दौरे पर पहुंची भाजपा प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा का कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। रेखा वर्मा ने भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत की और इस मौके पर करीब 500 से अधिक जन प्रतिनिधियों और अन्य पार्टियों से जुड़े लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। रेखा वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम के जरिए हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड में आगामी चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोटद्वार के दुनाऊ गांव में आयोजित शहीद राइफल मैन जसवंत सिंह रावत के शौर्य दिवस समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने स्मारिका हीरो ऑफ नेफा का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वीर जसवंत सिंह रावत ने जिले के साथ साथ उत्तराखंड और पूरे देश का नाम रोशन किया है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार के लेंस डाउन में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। इस चाकूबाजी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे चंपावत से। अब खबर चंपावत में आरटीबीपी जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जवानों ने घायल बीएलओ को रेस्क्यू भी किया। इस दौरान जवान करीब 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर घायल बीएलओ को लेकर अस्पताल पहुंचे। देखिए चंपावत की ये तस्वीरें हैं, आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया और बहुत मुश्किल 7 किलोमीटर का सफर भी उन्होंने तय किया। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में भारी वाहन के लिए रूट डायवर्ट तो कर दिया गया मगर अब इससे जाम की स्थिति बनने लगी है। दरअसल बरसात के दिनों में बाजार से होकर गुजरने वाली सड़क ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके बाद भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया। वाहनों को सर्किट हाउस से कंडोलिया होते शहर से बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन अब इस रोड पर जाम लगा रहता है। और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां इससे सटे नेपाल के गांव ने जनगणना करने के लिए नेपाल सरकार ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी से भारतीय सीमा में आने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि तिंकर झागरू भारत सीमा में स्थित है और इन गांव में जाने के लिए भारतीय सीमाओं का उपयोग करना पड़ता है।